दिख रहा है जो लॉगिन हो गया है। कितने ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें? चार दिख रहे हैं। कौन कौन से? मैप एसेट, वेव एसेट, सेंड और एग्जिट। आपको काम किसमें करना है? मैप एसेट में, और वेव एसेट में जो एसेट आप अपलोड करते हैं वो देखे जाते हैं, और सेंड नॉर्मल है बिल्कुल, उसमें सेंड जो आप करेंगे वही जाएगा, ठीक है, और एग्जिट नॉर्मल, ये भी बंद करना। तो आपको काम किसमें करना है बेसिकली? मैप एसेट में। मैप एसेट पे क्लिक कर देंगे हम, क्लिक कर दिया, तीन कैटेगरी ओपन होके आ गई। अपना फोन दिखाइए आपको, कौन कौन कर रहे हैं उधर पीछे, पीछे भी कर रहे हैं, पीछे वाले लोग जो नहीं कर रहे हैं आगे आगे कम से कम सुन तो ले क्या हो रहा है। जिनके पास मोबाइल है उनके बगल बैठ जाए, देखते रहें, ठीक है, काफी लोगों के लिए लाभकारी है। तीन कैटेगरी ओपन होके आ गई इसमें, ठीक, ये तीन आ गई। आपको सर ने बताया था कि सिविक में जो चीजें मिलेंगी, गवर्नेंस में जो चीजें मिलेंगी, सर ने उसके बारे में बताया, प्रोडक्टिव में। आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इसके अंदर आपको नहीं जाना है तीनों के अंदर। अगर आपको जैसे हैंडपंप दिख गया, अभी हैंडपंप इसके अंदर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कहाँ पड़ा है सर मालूम ही नहीं है, ढूंढ ही नहीं पाया, मैपिंग नहीं कर पाया उसको, तो आपको ये दिख रहा होगा ऊपर यहाँ फ्री टेक्स्ट सर्च, ये दिख रहा है, जैसे पावरफुल यही सर्च कर लीजिए आप, लिखिए पावरफुल, मान लीजिए पावरफुल आपको करना है, सर्च कर लीजिए पी ओ डब्ल्यू आर, हो गया। ये देखिए जैसे पावर लिखा आ गया, ये पावरफुल आ गया। अब पावरफुल पे क्लिक कर देंगे, पावरफुल पे क्लिक करेंगे, दिखाइए जरा पॉइंट, पॉइंट पॉलीगन और लाइन में कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा पॉइंट पे ही रहता है, इसको हटाना मत, सारी मैपिंग जितनी होनी है पॉइंट पे होनी है, ठीक है, इस पे मत करना, ये जो ये निशान दिख रहा है ये इस पे नहीं होना चाहिए, इसी पे होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो इसी पे होना चाहिए, ठीक, सारी मैपिंग पॉइंट नहीं करनी है आपको, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आएगा ये, ये आ गया, ओपन हो गया। अभी आपका पोल है शॉर्ट, मैंने बताया सर्च किया सीधे आ गया ये, पावर पोल आप करना है, पावर पोल सर्च किया सीधे आ गया। आपको पावर पोल यहाँ है कोई, मान लो पावर पोल है ये बॉटल, ये पोल है आपका, ठीक, अभी इसकी मैपिंग करनी है आपको, पोल है ये, ठीक है, ये पोल है, इसकी मैपिंग करनी है। आपने सर्च कर लिया है, पॉइंट पे लेके आ गए हैं आप, सब कुछ आप ओके हैं बिल्कुल, सारा ओके है सबका, ये ग्रीन आ रहा है जीपीएस, ये ग्रीन है, ये दोनों रेड रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये रेड रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, जीपीएस ग्रीन ही होना चाहिए, ठीक है, जीपीएस ग्रीन है सबका। अब आपको क्या करना है, आपका पोल है ये मैपिंग करनी है आपको, कैसे करेंगे, आपने सर्च कर लिया आ गए आप, कैसे करेंगे आगे बताइए, कैसे करेंगे जी, जी 8 मीटर दिखा रहा है आपको, 10 मीटर के अंदर क्यों पोजीशन कैप्चर करनी है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10 मीटर के अंदर क्यों कैप्चर करनी है पोजीशन, अभी सर ने बताया था आपको क्यों करनी है, बिल्कुल, जैसे कि आपका पोल ये पॉइंट में है, ठीक है, अगर हम पोजीशन कैप्चर करेंगे 10 मीटर से ज्यादा में कर लेंगे, 10 मीटर एरिया मेरा पोल कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, तो पोल 10 मीटर के एरिया में कहीं भी हो सकता है मेरा, देखो ऐसी कम होनी चाहिए तो उसके पास जाके करना है। तो कैप्चर पोजीशन करने के लिए क्या करेंगे आप, कैप्चर पोजीशन पे ऐसे ही टिक कर देंगे, एसेट कहाँ है आपका, संपत्ति कहाँ है आपकी, पोल कहाँ है जी, हाँ हाँ पोल है मेरा ये,
कैप्चर पोजीशन करना इसके पास जाके, और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी, 10 मीटर के अंदर होनी चाहिए पॉइंट। अगर जैसे नहीं आ रही ना, 10 मीटर से ऊपर दिखा रही है, थोड़ा देर से पॉइंट रोकेंगे, सही हो जाएगा। रोकेंगे जैसे आ गया 10 के अंदर आ गया, 9 8 हो गया, 10 के नीचे कुछ भी आ जाए, 8 9 7 5 जो भी हो, उसके पास जाके कैप्चर पोजीशन। दूर से कैप्चर पोजीशन मत करना कि यहीं कर लिया, क्यों नहीं करना है, अगर यहाँ करेंगे तो पोल आपका यहाँ दिखाएगा सैटेलाइट पर। जब अपलोड करेंगे आप तो आपका पोल यहाँ दिखाएगा जहाँ आप कैप्चर करेंगे, तो जो खंभा है उसके पास ही जाके कैप्चर करिएगा। अभी समझ में आ गया होगा सबको? नहीं नहीं, पोजीशन कैप्चर करनी है खंभे के पास जाके। हाँ, जो भी आपका एसेट है उसके पास ही जाके आपको कैप्चर पोजीशन करनी है। फोटो जहाँ से अच्छी खूबसूरत आ जाए, अच्छी सी फोटो, वहीं से ले लीजिएगा। फोटो में कोई दिक्कत नहीं, फोटो कहीं से ले सकते हैं आप, उसकी पोजीशन जो कैप्चर करनी है उसके पास जाके करनी है। फोटो पास से थोड़ी अच्छी आ पाएगी। अभी सभी लोग समझ गए होंगे कि पोजीशन कैसे कैप्चर करनी है। मान लो ये पोल है आपका, हम इसके पास गए, कैप्चर पोजीशन कर दिया। कैप्चर पोजीशन करते ही जितने मीटर में आपकी पोजीशन कैप्चर होगी वो नीचे लिख के आ जाएगी, ठीक है। जीपीएस लोकेशन कैप्चर भी 9 मीटर एक्यूरेसी में कैप्चर होगी इसकी पोजीशन, ठीक है। अगला काम क्या करना है जी? अब उसकी फोटो लेनी है। एक फोटो पे क्लिक कर देंगे, फोटो ले लेंगे उसकी हम, जहां से अच्छी आ जाए बढ़िया, पोल की फोटो वहां से ले लेंगे। पोल की फोटो में दो फोटो लेने की जैसे जरूरत है नहीं, एक ही बार में पूरा पोल आ जाता है। जैसे बिल्डिंग है, स्कूल है, जिसमें फ्रंट से ले लिया, साइड से ले लिया, नॉर्मल चीजें सबको समझ में आ रहा होगा। पोल हो गया, हैंडपंप हो गया, एक ही फोटो में कवर हो जाता है पूरा, ठीक है। इसकी एक फोटो ले ली मैंने, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, दूसरी फोटो लेने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे, फिर से कैमरा ऑन हो जाएगा, दूसरी फोटो ले लेंगे, ठीक है। दूसरी फोटो इसकी नहीं लगा, ले लीजिए इसका, ले लीजिए दूसरी फोटो ले लिए हम, ओके। सभी लोग करते रहिए साथ 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 चलिए, सबका हो गया। दो दो फोटो सभी लोगों ने ले ली। क्या क्या किया आपने अभी तक? कैप्चर पोजीशन की फोटो लिया, दो काम। तीसरा काम क्या है आपको? उसकी डिटेल फिल करनी है। अब इस खंभे की आपको जानकारी देनी है। खंभे की आपने पोजीशन ले ली, फोटो ले लिया, और अब इसकी जानकारी, इसकी डिटेल देनी है जो इसमें पूछ रहा है। डिटेल ऑफ पावर पोल यहाँ आ जाइए, इसमें फोटो का नाम देना है। 1-2 लिख सकते हैं इसमें, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। इसमें पावर पोल लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 लिख सकते हैं इसमें आप, या View 1 View 2 जी। दरवाजे किसके हैं वो बताएंगे आपको कहाँ पर, उसमें ये फोटो की डिटेल है, ये फोटो की डिटेल है, फोटो में 1-2 लिख दीजिए। नहीं नहीं, हाँ फोटो का नाम देना है, 1-2 लिख दीजिए बस, सिंपल। आप जानिए पहले वाले में दूसरे वाले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 लिख दीजिए बस, अगर लिखना है तो नहीं लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डिटेल ऑफ पावर पोल, अब डिटेल उसकी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सोर्स ऑफ पावर, उसके नीचे क्या है? सेलेक्ट फ्रॉम हियर, मतलब इस मेरे ऊपर क्लिक करो, दबाओ, वहां क्लिक करिए आप लोग। क्या ऑप्शन हो, क्या आ गया? अब ये पूछ रहा है इस खंभे से, इस खंभे पे कौन सी लाइट है, जो आपका खंभा है उसमें कौन सी लाइट है बताइए, इस खंभे पे कौन सी लाइट है? हाँ जी, सोलर कैसे है? हाँ जी, थर्मल कैसे है बताइए, तो लाइब्रेरी में से हाइडल यूज हो रही है सभी जगह, हाइडल थर्मल नहीं, आप समझ लीजिएगा। इसीलिए मैं पावर पोल बताता हूँ कि कंप्यूटर ना, पूरे लाइब्रेरी में हाइडल यूज हो रहा है, हाइडल करिएगा। हाइडल पे क्लिक कर देंगे जी, हाइडल
सोलर होता है, जैसे सोलर से लाइट आ रही है, जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई सोलर वाली। थर्मल आपका कोयले से जो लाइट आ रही है, हाइड्रल मतलब पानी से जो आ रही है, तो लाइब्रेरी में पानी से ही आ रही लाइट। ठीक है, थर्मल पावर जो बनाओ, थर्मल वो सिर्फ ऊंचा हार में है, एलपीसी है, ठीक है। बाकी इधर आपका हाइडल ही रहेगा, आपने ब्लॉक जानी है, अपने ब्लॉक में आपको हाइडल करना है, ठीक है। नहीं कंफ्यूज मत होइए, थर्मल के चक्कर बहुत पड़ी है सोलर के, इसपे आपके ब्लॉक में जितने पावर पोल है उस पर हाइडल करना है आपको। क्या मतलब अदर हो गया तो एडिट में सही कर लीजिएगा आप जाके, फिर से एडिट में सही कर लीजिएगा जाके, ठीक है। अब वो कर दिया तो अलग बात है, करने को आप सोलर भी कर सकते हैं, बाकी मैं अपने बता रहा हूँ वही करना, हाइडल करना है आपको, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टाइप ऑफ यूज, टाइप ऑफ यूजेस, सिलेक्ट फ्रॉम हियर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है ये जो खंबा आपने मैं इसको किया है, इसका यूज कैसे हो रहा है, इसकी लाइट जो गया है तार, वो इसका यूज क्या है, इसका यूज कहाँ हो रहा है। हाँ, जो भी यूज होगा उस पर कर देंगे, घर के लिए ज्यादा यूज है गाँव में तो डोमेस्टिक कर देंगे, डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक हो गया। उसके बाद भी पूछ रहा है स्ट्रीट लाइट, इस खंभे में जो बल्ब नहीं लगे होते लाइट वाले, वो लगे हैं कि नहीं लगे, ये पूछ रहा है। लगा है इस खंभे में, लगा है, है? लगा दीजिए, इस खंभे में कोई लाइट नहीं लगी ना, ये खंभा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए जो भी होगा, खंभे पे लाइट लगी होगी स्ट्रीट लाइट, यस कर दीजिएगा, नहीं लगी होगी नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यस कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं स्ट्रीट लाइट, हाँ लगा दिया, यस कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा अदर इंफॉर्मेशन, इस खंभे की और कोई डिटेल इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं, जैसे खंभा टेढ़ा है या कहो तार ही ना लगा हो, ऐसे ही खड़ा डैमेज है जी, तब भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये लिख सकते हैं कि इनसाइड मिले उसका एड्रेस दे सकते हैं, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन में जो भी आप इन्फॉर्मेशन उसकी देना चाहते हो दे सकते हैं, अगर नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको छोड़ सकते हैं, वो जरूरी नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको दे सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं जी, हाँ एड्रेस डाल दीजिए, गाँव का नाम डाल दीजिए, पंचायत का नाम डाल दीजिए, जो भी कहाँ पर है, या वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कौन से कोई काम नहीं कर रहा, जो भी हो, नहीं उसका नाम नहीं डालना है इसके दरवाजे में, ऐसे तो पता नहीं कितने लोग दरवाजे कितने खंभे लगे सबके नाम ही डाल देंगे आप, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन जिसके दरवाजे उसकी नहीं देनी, उस खंभे की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। गांव का नाम डाल सकते हैं आप। अभी उसके बाद क्या है, सेंड और सेंड लेटर। अभी तक आपने इतना काम किया, सारा ऑफलाइन है, इंटरनेट नहीं चल रहा है आपका, बंद है इंटरनेट, समझिए, ठीक है। अभी आपको सेंड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, बट आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन ही करिएगा, सेंड मत करिएगा फील्ड में, गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, गांव में आप चल रहे हैं वहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, सबसे बेटर